हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी चैनल। आज हम पढ़ेंगे इंडेक्स एंड रैंकिंग 2024 ऑफ इंडिया। तो ये भी करंट अफेयर का एक टॉपिक है, अपडेटेड टिल में। तो आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट, हमारा विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। तो इसमें हमारे पास चार ऑप्शन है। इसका आंसर काफ़ी ऑब्वियस है, फिर भी इसका आंसर है ऑप्शन बी, इंडिया। और इसमें हमने जो है टॉप 10 लार्जेस्ट कंट्री ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग दे रखी है। तो यहाँ पे एक बार गो थ्रू कर लेना। इंपॉर्टेंट मोस्ट थ्री ही रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन फिर भी आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा विच वट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ट्रैवल टूरिज्म इंडेक्स 2024। तो इसमें भी चार ऑप्शन है हमारे पास। तो इसका करेक्ट आंसर है, आई होप आप लोगों ने अब तक गैस कर लिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 39th, यही था इसमें। नेक्स्ट है हमारा वट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2023। तो इसका हमारा ऑप्शन, चार ऑप्शन है इसमें हमारे पास। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन है आंसर डी, दैट इज़ 121st रैंक है जो इंडिया का। टॉप थ्री कंट्रीज़ कौन सी है इसमें? सिंगापुर, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज़ की जाती है? तो हेरिटेज फाउंडेशन है उसके द्वारा रिलीज़ की जाती है। नेक्स्ट है हमारा वट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल यूनिकॉर्न लिस्ट 2023। तो इसमें भी हमारे पास चार ऑप्शन है, तो आपने देख लिया होगा। तो इसका हमारा ऑप्शन करेक्ट है जो सी, यानी कि थर्ड जो पोजीशन है। और टॉप थ्री कंट्रीज इसमें कौन सी है? यूएसए है विद 703 यूनिकॉर्न्स, सेकंड है चाइना, थर्ड है इंडिया विद 72। तो द टर्म यूनिकॉर्न क्या होती है? ये एक प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप कंपनी होती है जिसकी वैल्यू ओवर $1 बिलियन होती है। तो नेक्स्ट है हमारा वट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024। तो इसमें भी हमारे पास चार ऑप्शन है, तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन है आंसर सी, दैट इज़ 159th पोजीशन। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024, इंडिया का रैंक 159 आउट ऑफ 180 कंट्रीज़ है। हमारी टॉप थ्री कंट्रीज़ हैं डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क एंड स्वीडन। रिलीज्ड बाय, ये रिपोर्ट किसके द्वारा की जाती है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जो कि टोटल 180 कंट्रीज़ का डाटा लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा वट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो इसका हमारा ऑप्शन है सी, ये तो हो चुका है, सॉरी। नेक्स्ट है हमारा वट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024। तो इसका हमारे पास चार ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? आंसर ऑप्शन बी, दैट इज़ 126th। तो इसमें इंडिया का जो रैंक है 126 है 2024 का। टॉप थ्री कंट्रीज़ हैं फिनलैंड, डेनमार्क एंड आइसलैंड। अफगानिस्तान वॉज रैंक एज द मोस्ट अनहैप्पीएस्ट कंट्री। ये रिलीज किसके द्वारा की जाती है? रिपोर्ट यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, SDSN के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा वट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन है चार ऑप्शन में से आंसर ए, दैट इज 13th पोजीशन। तो इंडिया का रैंक जो 2023 है वो 13th है आउट ऑफ 163 कंट्री। टॉप कंट्री इसमें अफगानिस्तान ने टॉप किया है। और ये रिपोर्ट रिजल्ट रिलीज बाय तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा वट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2024। तो इसमें हमारे पास चार ऑप्शन है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा बी है, दैट इज़ 134 पोजीशन। तो ये है हमारा नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट है, ये एक बार थोड़ा गो थ्रू कर लेते हैं। इंडियाज़ रैंक इन 2023 132 आउट ऑफ 191 कंट्री। टॉप थ्री कंट्रीज हैं स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड। रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNEP। तो साउथ सूडान हैज़ द लोएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, अर्निंग 0.385 रेटिंग, ये है इसकी। और थ्री इंडिकेटर्स जो हम लेके चलते हैं तो वो है एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा। तो लॉन्च बाय पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूब अल हक इन 1990, ये था इसके बारे में। नेक्स्ट हमारा वट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स। तो इसमें भी चार ऑप्शन है हमारे पास, जिसमें से करेक्ट ऑप्शन आंसर डी, दैट इज़ 134th। तो ये विदाउट जो वीज़ा है 62 कंट्रीज़ में हम जा सकते हैं। टॉप फ्रांस है और लास्ट अफगानिस्तान है इसमें। नेक्स्ट है हमारा वट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023। तो इसमें हमारे पास चार ऑप्शन है, तो करेक्ट हमारा है ऑप्शन बी, दैट इज़ 93rd जो पोजीशन है वो है इंडिया की। टॉप थ्री कंट्रीज है फर्स्ट इसमें डेनमार्क, सेकंड फिनलैंड और थर्ड जो न्यूजीलैंड है। तो नेक्स्ट है हमारा वट इज़ द इंडियाज़ रैंक इन ग्लोबल जेंडर गैप 2024। तो इसमें भी हमारे पास चार ऑप्शन है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो आंसर बी है जो हमारा 108। जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स GII 2022 हैज़ बिन रिलीज बाई UNDP इन देयर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023-24। तो ये था। नेक्स्ट है हमारा वट इज़ द इंडियाज़ रैंक इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2023। तो इसमें हमारा चार ऑप्शन है, तो करेक्ट जो है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज़ 7th। तो इसमें जो टॉप थ्री रैंक है वो किसी भी कंट्री ने अचीव नहीं किए हैं और इंडिया ने 7th रैंक अचीव किया है। तो ये कुछ इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड है, तो आप इसे एक बार देख सकते हैं, हमने इसमें इम्प्रूव ही किया है। नेक्स्ट है हमारा ये एक बार इंडेक्स जो रिलीज किसके द्वारा किया जाता है? जर्मन वॉच ऑन द साइडलाइन ऑफ UN क्लाइमेट समिट COP28 ऑन फ्राइडे। मतलब ये जो रिलीज किसके द्वारा किया जाता है? जर्मन वॉच के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा वट इज़ द इंडियाज़ रैंक इन ग्लोबल एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन चार हैं, तो जिसमें से आप करेक्ट जो है हमारा ऑप्शन बी है, दैट इज़ 180। टॉप टू कंट्रीज़ हमारी डेनमार्क और UK। ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज़ की जाती है? तो ये रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन कोलैबोरेशन विद रिसर्च फ्रॉम येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी, इन दो यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर जो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ये करती है। टॉप है जो डेनमार्क, वो
वर्ल्ड मोस्ट सस्टेनेबल कंट्री कही जाती है। नेक्स्ट हमारा, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023? तो इसमें भी हमारे पास चार ऑप्शन है, तो करेक्ट है हमारा ऑप्शन डी, दैट इज 126। तो इंडिया का रैंक जो 2023 में है वो 126 है आउट ऑफ 163 कंट्रीज। और टॉप थ्री जो इंडिया का रैंक 2022 में है वो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या है। टॉप थ्री कंट्रीज है इसमें आइसलैंड, डेनमार्क, आयरलैंड। ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की जाती है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, IEP, अ ग्लोबल थिंक टैंक पब्लिश द ग्लोबल पीस इंडेक्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023? तो इसमें भी हमारे पास चार ऑप्शन है, तो करेक्ट हमारा ऑप्शन है ए, दैट इज 67th। ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की जाती है? बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023? तो इसमें भी चार ऑप्शन है, ये हमारा है, इसका ऑप्शन है सी करेक्ट, दैट इज 13th पोजीशन। अफगानिस्तान रिमेंस द कंट्री मोस्ट इंपैक्टेड बाय टेररिज्म फॉर द फोर्थ कंसेक्यूटिव ईयर। और रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की जाती है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023? तो इसमें भी हमारे पास चार ऑप्शन है, तो करेक्ट हमारा कौन सा है? दैट इज बी, 42nd ऑप्शन है। इंडियाज रैंक इन 2023 42nd, टॉप कंट्री यूएस, रिलीज बाई यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। नेक्स्ट है हमारा, ये इसका 12th एडिशन था। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल फायर इंडेक्स 2023? तो इसमें भी चार ऑप्शन है, तो करेक्ट हमारा कौन सा ऑप्शन? फोर्थ, दैट इज आंसर ऑप्शन डी। और टॉप कंट्री कौन सी है? तो इसमें यूएस है। नेक्स्ट हमारा, व्हाट इज द रैंक इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022? तो इसमें भी हमारे पास चार ऑप्शन है, ये 2022 का याद रखना, तो इसमें ऑप्शन हमारा करेक्ट है जो ए, दैट इज 107 पोजीशन। इसमें टॉप कौन सी कंट्री है? तो बेलारूस है। और ये किसके द्वारा रिलीज की जाती है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्ट हंगर लाइफ हिल्फे, सॉरी वेल्ट हंगर हिल्फे। नेक्स्ट है हमारा, हाउ मेनी टाइम्स हैज़ इंदिरा गांधी एयरपोर्ट बीन रैंक्ड द बेस्ट एयरपोर्ट इन साउथ एशिया? तो इसमें भी चार ऑप्शन है, तो करेक्ट हमारा कौन सा है? डी, दैट इज 5th, मतलब 5 बार ये जो बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ एशिया कहलाया गया है। ये पिक्चर है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की, जो कि मुंबई में है, सॉरी दिल्ली में है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ फिश प्रोडक्शन? तो इसमें हमारे पास चार ऑप्शन है, तो करेक्ट हमारा कौन सा है? ऑप्शन ए, दैट इज 3rd। और इसमें टॉप थ्री कंट्रीज कौन सी हैं, मतलब टॉप टू, थर्ड तो हमारी इंडिया ही है, चाइना, फिर इंडोनेशिया, और थर्ड है जो इंडिया है। नेक्स्ट है हमारा, इन सिप्रीज ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट विच रैंक डिड इंडिया ऑक्यूपाई? तो इसमें चार ऑप्शन है, तो कौन सा रैंक है इंडिया का? तो ऑप्शन बी, दैट इज 4th। और ये रिलीज बाय किसके द्वारा रिपोर्ट रिलीज की जाती है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री। इट्स एन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट बेस्ड इन स्टॉकहोम, इट वॉज फाउंडेड इन 1966। और इसमें जो टॉप फाइव कंट्रीज हैं वो कौन सी हैं? फर्स्ट है यूएसए, सेकंड चाइना, थर्ड रशिया, फोर्थ इंडिया, और फिफ्थ है हमारी सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट है हमारा, विच सिटी हैज़ बीन रैंक एज मोस्ट लिवेबल सिटी अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2023? तो चार ऑप्शन है, इसमें हमारा जो करेक्ट है वियना, जो कि यूरोप में है, ऑस्ट्रिया में। ये रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU के द्वारा। हेडक्वार्टर्स जो है इसका वियना में ही है, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये। इन जो हेडक्वार्टर्स वियना में है वो है UNIDO, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA, और एक है OPEC, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023? तो चार ऑप्शन है इसमें हमारे पास, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है जो आंसर बी, दैट इज 38th पोजीशन। अकॉर्डिंग टू LPI 2023, सिंगापुर एंड फिनलैंड आर मोस्ट एफिशिएंट एंड हाईएस्ट रैंक कंट्रीज इन टर्म ऑफ लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस। नेक्स्ट है हमारा, बाय विच ईयर इंडिया ऑन ट्रैक टू अचीव एनर्जी इंडिपेंडेंस? तो ये किस ईयर तक है? चार ऑप्शन है जिसमें से हमारा करेक्ट है 2047, इस ईयर तक जो है हमारा एनर्जी इंडिपेंडेंस को अचीव करने का टारगेट है। तो इसमें पीएम मोदी इज 5 बिग गोल्स फॉर इंडिया, तो जो पीएम हमारे पीएम मोदी जी ने जो 5 गोल सेट किए हैं, तो वो 5 गोल इस तरह हैं: अचीविंग नेट जीरो बाई 2070, रिड्यूसिंग टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन इमिशन बाई 1 बिलियन टन स्टार्टिंग नाउ टिल 2030, इंक्रीजिंग रिन्यूएबल एनर्जी कंपोनेंट 250% ऑफ आवर टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट बाई 2030, रिड्यूसिंग कार्बन इंटेंसिटी बाई 45% बाई 2030, इंक्रीजिंग नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी टू रीच 500 GW बाई 2030। इसमें ये ईयर जरूर पूछ लेते हैं आपसे, तो आप एक बार अच्छे से इनको पढ़ लेना। नेक्स्ट है हमारा, अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 बाय द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, विच कंट्री इज द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर अब आप लोगों को पता ही होगा कि ए है, दैट इज इंडिया। तो इंडिया फिलहाल जो है मोस्ट पॉपुलस कंट्री ही है, इसमें आप ये डिजिट भी देख सकते हैं कितना है, और ये डाटा जो है 1/7/2023 के हिसाब से है। नेक्स्ट है हमारा, ITC बिकम वर्ल्ड्स थर्स्ट मोस्ट वैल्यूएबल तंबाकू कंपनी। ये थोड़ी सी जानकारी है इसके बारे में। एस्टैब्लिश्ड इन 1910 एज द इंपीरियल तंबाकू कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, द कंपनी वॉज रीनेम्ड एज इंडिया तंबाकू कंपनी इन 1970 एंड लेटर टू ITC लिमिटेड इन 1974। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? वर्जीनिया हाउस, चौरिंगी रोड, कोलकाता, इंडिया में है। तो बस आज के लिए इतना ही था, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, और आपको ये रैंक याद हो जाएंगे, बस आप थोड़ा सा रिपीट मोड पर ही देखते रहिए। थैंक यू।